Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial, I am going to discuss about best top UPTU and AKTU government colleges for B.Tech. तो फ्रेंड्स बीटेक के कौन कौन से यूपीटीयू के अंदर या एकेटीयू के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके बारे में हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर यूपीटीयू के अंडर में या जो हमारा एकेटीयू है इसके अंडर में जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं उनके बारे में कुछ हमें बताइए, उनके बारे में डिस्कस कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखें, आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इस वीडियो में वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ पे आप लोग अपना बीटेक कोर्स कर सकते हैं अगर आप लोगों ने यूपीएसईई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है या इस एग्जाम में आप लोग अच्छी रैंक लेके आए हैं। क्योंकि अगर आप लोग यूपी जो स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जाम है इंजीनियरिंग के लिए अगर आप लोगों की रैंक उसमें अच्छी है तभी आप लोगों को इन सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगा फॉर बीटेक कोर्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहां से अगर आप लोग अपना बीटेक कोर्स करते हैं तो आप लोगों की जो ट्यूशन फीस होगी या आप लोगों की जो फीस होगी वो भी कम लगती है और यहां पे आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलने के भी बहुत चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग फर्स्ट यहां पे डिस्कस करते हैं जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है यूपीटीयू के अंडर में जो हमारा आता है, एकेटीयू के अंडर में जो आता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आईआईटी हम लोग इन शॉर्ट इसको बोलते हैं और ये हमारा लखनऊ में है। यहां से आप लोग बीटेक कोर्स कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो हमारी एक तरह से ब्रांचेज होती हैं बीटेक की वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगी और आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं उनमें बीटेक करने का एक तरह से आप लोगों को यहाँ पे सही एक चांस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर, इन शॉर्ट हम लोग इसको के एन आई टी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है, के एन आई टी सुल्तानपुर इन शॉर्ट हम लोग इसको बोलते हैं। और ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जो एकेटीयू और यूपीटीयू के अंडर में आता है, ठीक है। और यूपीएसईई एग्जाम अगर आप लोगों ने क्वालिफाई किया है तो आप लोगों का एडमिशन यहाँ पे इजिली हो जाएगा अगर इस एग्जाम में आप लोगों की रैंक अच्छी है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये झांसी में है और ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। यहां से भी आप लोग अपने बहुत सारे बीटेक के कोर्सेज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज से जो हमारे रिलेटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी, ये भी यूपीटीयू का गवर्नमेंट कॉलेज है, एकेटीयू का गवर्नमेंट कॉलेज है, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, यहां से भी आप लोग अपना बीटेक कोर्स कर सकते हैं। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज, ये भी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है यूपीटीयू का और एकेटीयू का। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिजनौर, कन्नौज के बाद बिजनौर, और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे है राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज अंबेडकर नगर, और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो लास्ट है वो है हमारा राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र। तो ये राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो यूपीटीयू के अंडर में आते हैं और यहाँ से आप लोग अपना बीटेक कोर्स कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस से, जिस भी ब्रांच में आप लोगों का इंटरेस्ट हो, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, सिविल, और बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं जिन ब्रांचेस से आप लोग अपना बीटेक कोर्स कर सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे, मैकेनिकल, ठीक है। तो ये सभी ब्रांचेस आप लोगों को इन सभी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जनरली मिल जाएंगी, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच में आप लोगों का इंटरेस्ट हो आप लोग उस ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं और अपना 4 ईयर का जो बीटेक कोर्स होता है उसको आप लोग फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, ये कानपुर में है और ये भी एक यूपीटीयू का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ से भी आप लोग अपना बीटेक कोर्स कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज से आप लोग अपना बीटेक कोर्स यहाँ से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज
नॉलेज के साथ चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा ही आप लोगों को अपनी सभी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराता हूँ। और आप लोग फेसबुक पेज पे और इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी अपने जो आप लोगों के डाउट्स हैं, आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, आप लोगों की जो क्वेरीज हैं, उनको मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप लोगों की कोई प्रॉब्लम है यूपीटीयू या एकेटीयू से रिलेटेड, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, या चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जुड़ के वहां पे कनेक्ट होके, या चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ में कनेक्ट होके वहां पे भी आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स, अपने थॉट्स मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने बैचमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, सभी को आप लोग शेयर कर सकते हैं। और लाइक करें ज्यादा से ज्यादा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।